Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. तो फिर मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, आज बहुत सारी खबरें हैं जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी है, तो जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए और भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए. सबसे पहले खबर शुरू करते हैं नन आमिर मामू यानी के आमिर खान के साथ. तो आमिर खान फिलहाल लापता लेडीज पूरे इंडिया में जो है वो प्रमोट कर रहे हैं एंड उनको पूछा गया कि आपकी जो नई फिल्म है उसकी शूटिंग कब शुरू होगी एंड वो फिल्म कब रिलीज होने वाली है. तो आमिर खान ने क्लियरली यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि हमारी जो फिल्म है जिसका नाम है सितारे जमीन पर, वो रिलीज होने वाली है क्रिसमस 2024 को. जितने लोगों को भी लग रहा था कि ये साल आमिर मामू नहीं आएंगे, आमिर मामू ने कहा है कि क्रिसमस पर डेफिनेटली आएंगे. तो बहुत ही बड़ा स्पीच दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ. मेरी फिल्म की शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है. मैं जो फिल्म कर रहा हूँ पहली फरवरी को उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है. फिल्म का नाम है सितारे जमीन पर. ओके, अब आमिर खान ने कहा है कि तारे जमीन पर जो उनकी फिल्म थी जो के नेक्स्ट लेवल पर आपको इमोशनल किया था, ये फिल्म भी आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी. एंड आमिर खान ने ये भी कहा है कि दिस इज लाइक अ पार्ट टू ऑफ तारे जमीन पर, जहां पर उसी थीम पर फिल्म है. पहली पार्ट में आप रोए थे लेकिन यहाँ पर सेकेंड पार्ट में ये फिल्म आपको पूरा तरीके से हंसाने वाली है. यानी कि फर्स्ट पार्ट में अगर आपको रोना आया होगा तो सेकेंड पार्ट में उसी थीम पर फिल्म है, यानी कि स्पेशल किड्स जो है उस पर ही फिल्म है. एंड ये फिल्म जो है आपको पूर्ण तरीके से हंसाने वाली है. तो ये बहुत सारे इंटरव्यूज है जहाँ पर आमिर खान ये सारी चीजें जो है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने ये भी कह दिया है कि डायरेक्टर जो है फिल्म का चेंज हो चुका है एंड डायरेक्टर का नाम इस फिल्म में है नन अदर देन प्रसन्ना. ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है एंड उसी टॉपिक को आमिर खान ने कहा है कि वो एक अलग दिशा से जो है दिखाने वाले हैं, एक अलग रोशनी जो है वो देने वाले हैं. तो ये थी आमिर खान की पूरी यू नो कॉपी टू कॉपी स्पीच. भैया हम सुन सुन के बोल रहे थे आपको कि आमिर मामू ने क्या बोला. अब गाइस आते हैं यहाँ पर इस हफ्ते की और खबरों पर. तो भैया वैलेंटाइन डे है, जितनों के वैलेंटाइन है वो ऑब्वियसली ये वीडियो तो देख नहीं रहे होंगे बैठ के, खूब जैसी बातें करते हैं वो घूम ही रहे होंगे. लेकिन जितनों के वैलेंटाइन नहीं है यहाँ तक आ चुके हो, तो पहली खबर है यहाँ पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार का द ब्रोमांस ओवर रोमांस. यानी कि जितने लौंडे हैं जिनके पास रोमांस नहीं है वो रोमांस कर लीजिए. दिस वैलेंटाइंस डे बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइगर ने एक पोस्टर जो है पोस्ट किया है. अक्षय कुमार एंड टाइगर बीच पर आई थिंक छलांग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. आई थिंक ये जॉर्डन के विजुअल्स हैं, जो गाना है उसके शूटिंग के विजुअल्स आई थिंक ये वाले. नंबर टू इज ए मेरे वतन. यहाँ पर ए मेरे वतन ये यहाँ पर नई फिल्म है धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर, धर्मेटिक है उसकी फिल्म है. कन्नन अय्यर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं. सारा अली खान की एक और फिल्म जो है थिएटर में ना जाते हुए ओटीटी पर आने वाली है एंड ये फिल्म रिलीज होगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 21st of March 2024 में. इसमें कहा जा रहा है कि इमरान हाशमी जो है इस फिल्म में एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस जो है वो देने वाले हैं. अगली खबर जो है नन अदर भूल भुलैया तृतीय की है. भूल भुलैया तृतीय हैज हिट द हेडलाइंस. सभी जगहों पर भूल भुलैया तृतीय का चर्चा जो है बहुत ही स्ट्रांगली बढ़ता हुआ जा रहा है. एंड अभी भूतों में नया भूत जो इंक्लूड हुआ है वो है नन अदर माधुरी दीक्षित. यस फ्रेंड्स, आफ्टर द स्टुपेंडस कास्टिंग ऑफ विद्या बालन विद नन अदर कार्तिक आर्यन, द ओरिजिनल मंजुलिका एंड रू बाबा, वी हैव नन अदर द डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित. कहा जा रहा है कि फिल्म में वो भूत है. भैया कंफर्म नहीं हुआ लेकिन माधुरी दीक्षित इज डूइंग द फिल्म, दैट इज एब्सोल्युटली कंफर्म गाइस यहाँ पर. एंड अनीस भाई जो है इस फिल्म की शूटिंग मार्च के सेकेंड वीक से शुरू करने वाले हैं. रजत पोद्दार जो के प्रोडक्शन डिजाइनर है वॉर के, पठान के, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं रजत जी ने, तो वो यहाँ पर अनीस भाई के साथ रेकी पर गए थे इस फिल्म की शूटिंग के लिए. एंड अब ये फिल्म की शूटिंग जो है वो मार्च के सेकेंड वीक में शुरू होगी टू रिलीज दिस फिल्म इन दिवाली 2024. तो यही साल भूल भुलैया तृतीय जो है वो आने वाली है. लव सेक्स और धोखा डार्लिंग, लव सेक्स और धोखा, ये फिल्म जब आई थी हम कॉलेज में थे बहुत ही रेज बन गया था. तुझे गोली मारूंगा, तेरी जान लुटाऊंगा, वो बहुत ही क्रेजी गाना था ये वाला गाइज. एंड वो फिल्म भी काफी अलग थी, वे अहेड ऑफ टाइम थी. उसमें राजकुमार राव का आप लोग वो सीसीटीवी वाला सीन देखना जाकर दिमाग घूम जाएगा भाई, हम तो पागल हो जाते हैं देखकर. सर आपको कौन लगा देखने के लिए? देख लिया भाई एक दिन. ठीक है सर,
काफी इंटरेस्टिंग फिल्म थी, तो उसका पार्ट टू यहाँ पर एकता कपूर लेकर आ रही है। अब लेट्स सी गाइस ओटीटी के दौर में ये फिल्म कितनी चलती है। यहाँ पर दिवाकर बैनर्जी वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर, अनफॉर्चुनेटली घूम गया वो बंदा, कहाँ जाकर ऐसी ऐसी फिल्में बनाता था एक टाइम पे वो। तो गाइस दिवाकर बैनर्जी की प्रोडक्शन है लव सेक्स और धोखा पार्ट टू 19 अप्रैल को आने वाली है। तो ये डिसीजन कुछ समझ में नहीं आया, ईद के अगले हफ्ते ही यानी कि ईद के हफ्ते में ही यहाँ पर 12 तारीख के आसपास आपके पास बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं, उसके ऊपर सोने पे सुहागा के मैदान उसके साथ क्लैश हो रही है। एंड हिम्मत देखो, एक हफ्ते के बाद ही लव सेक्स और धोखा द्वितीय जो है वो 19 अप्रैल 2024 को जो है वो यहाँ पर रिलीज होने वाला है। तो अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर अगली खबर की। तो अगला खबर है अजय देवगन की फिल्म शैतान से। आज गाना आने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज गाना न रिलीज करते हुए कल गाने का डेट रखा है। शैतान 8 मार्च 2024 को आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमा घरों में आने वाली है। एंड इस गाने का नाम है खुशियां बटोर लो। इस गाने में गाइस यहाँ पर आपको अजय देवगन, ज्योतिका, जानकी बोड़ीवाला जो मेन कैरेक्टर निभा रही है इस हॉरर फिल्म का, वो सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो गाना कल आएगा पैनोरामा म्यूजिक पर, आपको गाना देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे खबरें आई कि ओरिजिनल मंजुलिका जो है वो भूलभुलैया तृतीय में वापसी कर रही है, तो फैंस की डिमांड हो गई कि अक्षय कुमार द ओरिजिनल और यू नो इन भूलभुलैया वो भी वापस आएंगे। तो अनीस बाजमी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि नो, अक्षय कुमार इज नॉट पार्ट ऑफ भूलभुलैया तृतीय। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ अक्षय काम करने के लिए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है मैं उनके साथ काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव नॉट बीन एबल टू स्क्रिप्ट अ फिल्म वेयर वी कुड वर्क टुगेदर। लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में जरूर मैं यहाँ पर अक्षय कुमार के साथ काम जो है वो करना चाहूंगा। ओके गाइस, सो मच का ये एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। आई होप मैंने कोई खबर छोड़ी नहीं है। तो ये सारी की सारी खबरें जो है आपको यहाँ पर भैया इंडस्ट्री में अपडेट रहने में मदद करेगी। ओके, एपिसोड जितना पसंद आए लाइक कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।